देखो सेकंड क्वेश्चन हम लोग करें तो क्या है ये, 3 cos² θ - 2√3 sin θ cos θ और -3 sin²θ = 0। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करें, ये cos स्क्वायर है, ये sin स्क्वायर है, ये sin इंटू cos, देखो काम करें पूरे क्वेश्चन को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 2√3, देखो ये हो गया 10θ, है ना, cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक cos कटेगा sin by cos 10, और देखो ये हो गया -3 tan²θ = 0, ऐसा आ गया। देखो ये ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 3 tan²θ + 2√3 tan θ और -3 = 0, है ना। अब देखो यहां से अगर हम tan थीटा निकालें तो वो क्वालिटी क्वेश्चन बन गया, तो tan थीटा क्या होगा, देखो -b + -√b² है ना, -4ac, तो प्लस हो जाएगा, है ना, b² का मतलब 12, -4ac है ना 36 अपॉन 2a का मतलब 6, है ना। देखो ये हो गया tan θ = -2√3 ±, देखो रूट के अंदर 48, तो क्या हो जाएगा 4√2, बोलो है ना, रूट के अंदर 48 तो कितना होगा, देखो √16 × 3 तो 4√3, देखो ये हो गया 4√3/6, ठीक है। अगर हम प्लस साइन लें तो हो जाएगा -√3 + 4√3/6, तो 2√3/6, देखो ये 1/√3 आ जाएगा। अगर हम माइनस साइन लें तो देखो हो जाएगा -√3 - 4√3/6, है ना, तो -√3/6, देखो -√3। देखो क्या हुआ, tan थीटा की दो पॉसिबिलिटीज आ गई, एक tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3, इसको हम लिख सकते हैं tan π/6, तो थीटा बराबर क्या होगा nπ + π/6, एक आंसर देखो ये आ गया। दूसरा देखो क्या है, tan थीटा की वैल्यू आ गई -√3, इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ -π/3, तो थीटा बराबर nπ - π/3, देखो दूसरा आंसर यहां से ये आ गया। देखो ये दो हमारे जनरल सॉल्यूशन आ गए हमारे क्वेश्चन के, है ना, तो ये दो क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखो करने हैं, ठीक है। देखो बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये